ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसकी गणना कर पाना संभव नहीं है। इस ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जिनमें जीवन होने का दावा किया जाता है। वैसे तो हम आए दिन सुनते हैं कि नासा मंगल ग्रह पर जीवन होने का दावा करता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड भी कुछ ऐसा ही है। मंगल ग्रह से आया एक युवक जो धरती को बचाने आया है। ये बात मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये रूस के एक 20 वर्षीय युवक बोरिस्का की प्रियानोविच का दावा है कि वो मंगल ग्रह से धरती पर इसे बचाने के लिए आया है। उसने कभी भी सौरमंडल के बारे में किसी से कोई ज्ञान हासिल नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो भी जानकारियां बताई है उसे सुनकर वैज्ञानिक भी दंग है। साल 1996 में जन्मे बोरिस्का एक प्रतिभाशाली बच्चों में गिने जाते हैं। उनकी माँ पेशे से एक डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि वह जन्म के 2 सप्ताह बाद ही बिना किसी मदद के अपने सिर को ऊपर उठाने लगा था और वह कुछ महीने बाद ही बोलने लगा था और 1.5 साल की उम्र में वह पढ़ने और पेंट करने में सक्षम हो गया था। 2 साल की उम्र में जब वह किंडरगार्टन में जाता था तो उसके शिक्षक उसके आश्चर्यजनक लेखन, भाषा की प्रतिभा और याददाश्त को देखकर दंग थे। बोरिस्का का दावा है कि वह पहले मंगल ग्रह का एक पायलट था जो पृथ्वी पर भी आया था। बोरिस्का की माँ और पिता का दावा है कि उन्होंने अपने बेटे को अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी नहीं बताया या सिखाया है, मगर वह अक्सर मंगल ग्रह और ग्रहों की व्यवस्था और विदेशी सभ्यताओं के बारे में बैठकर बात करता था। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष के बारे में उसका इंटरेस्ट सबसे अधिक था। वह जल्द ही यह दावा करने लगा था कि वह मंगल ग्रह पर पैदा हुआ था। शोधकर्ताओं ने बताया कि वह औसत बुद्धि से अधिक शर्मिला युवक है। ग्रहों के प्रणालियों के बारे में उसके उत्कृष्ट ज्ञान को जानकर दुनिया भर के विशेषज्ञ हैरान हैं। रूस के वोल्गोगार्ड शहर में रहने वाले बोरिस्का का दावा है कि हजारों साल पहले न्यूक्लियर डिजास्टर यानी परमाणु युद्ध के बाद मंगल ग्रह में जीवन खत्म हो गया था, मगर आज भी वहाँ कुछ लोग जिंदा बचे हुए हैं जो जमीन के अंदर रह रहे हैं। उसका कहना है कि धरती को बचाने के लिए उसे भेजा गया है। धरती भी उसी तरह के न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ आगे बढ़ रही है। बोरिस्का की चिंता भी ऐसे समय पर सामने आई है जब उत्तर कोरिया और अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है। उसने कहा कि यदि उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही धरती का भी वैसा ही अंजाम होगा जैसा मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों का हुआ था। उसने आगे कहा कि मंगल ग्रह के लोग सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उसका कहना है कि और भी लोग आए हैं धरती पर। उसका यह भी दावा है कि उन सभी लोगों का पुनर्जन्म हुआ है और उन्हें इंडिगो चिल्ड्रन कहा जाता है, जिसके पास अलौकिक क्षमता होती है। बोरिस्का का कहना है कि वह अकेला नहीं है जो मंगल ग्रह से धरती पर एक खास मिशन पर आया है। उसके जैसे कुछ और लोग मंगल ग्रह से धरती पर जन्म ले चुके हैं। युवक का दावा है कि मंगल ग्रह में रहने वाले कई लोग अमर हैं और 35 साल के उम्र के बाद उनके वृद्ध होने की रफ्तार बंद हो जाती है, यानी वे बूढ़े नहीं होते। वो समय में पीछे कहीं भी जा सकते हैं और अंतरिक्ष में किसी भी जगह गोलाकार स्पेस में जा सकते हैं। बोरिस्का कहते हैं कि उन्होंने धरती पर जीवन को त्रिकोणीय विमान से देखा था। अब सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब बोरिस्का ने कहा कि गीजा के पिरामिड में छिपा है बहुत सारा रहस्य, बोरिस्का ने जोर देकर कहा कि गीजा के पिरामिड में काफी कुछ खोजा जाना बाकी है। उसने कहा कि इसमें कई बड़े रहस्य छुपे हैं। उसने यह भी कहा कि गीजा के महान स्पिंक्स में मानव जीवन के बारे में बड़ा रहस्य छुपा है, मगर वह क्या है यह मुझे याद नहीं। जब स्पिंक्स को खोला जाएगा तो मानव जीवन बदल जाएगा। बताते चले कि ग्रीक सभ्यता में स्पिंक्स एक ऐसी बड़ी पत्थर की आकृति है जिसका सिर इंसानों के जैसा है और धड़ शेर के जैसा। कई बार इसके धड़ में पक्षियों के पंख भी लगे हुए देखने को मिलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सब कैसे संभव है, तो आप खुद ही बोरिस्का का इंटरव्यू सुने। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोरिस्का का फुल इंटरव्यू है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी रोचक जानकारियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।